हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। पिछले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम ले चुके हैं जहाँ पर हमने प्लेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाला था। यहाँ पर हमने एक पूरा प्रॉब्लम लिया था जहाँ पे हमने डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाला था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन। तो क्वेश्चन देख सकते किस तरीके से दिया है। ए सिंगल अनइक्वल एंगल ISA 90-66 mm इज कनेक्टेड टू ए 10 mm गसेट प्लेट एट द एंड विथ 5 नंबर्स ऑफ 16 mm बोल्ट्स टू ट्रांसफर टेंशन। देखो क्वेश्चन में हमको इस तरीके से दिया है, रेफर फिगर बिलो। डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल इफ द गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू 90 mm लेग। तो ये 90 mm का लेग है, ये हमारा गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। देख सकते हो ये जो 50 दिया है ये हमको गेज डिस्टेंस दिया है, और ये जो 30 दिया है ये एंड डिस्टेंस है, और ये 4 × 50 क्या कहलाता है कि 4 पिच डिस्टेंस है 50-50 mm के। देख सकते हो 5 बोल्ट तो हमको क्वेश्चन में बोले गए थे कि 5 नंबर्स ऑफ बोल्ट है, और इनके बीच में जो पिच डिस्टेंस है वो 50 mm का है। इस तरीके से डायग्राम हमको गिवन है, हमको निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल इफ द गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू 90 mm लेग। ये जो लेग है ये 90 mm का है। तो चलिए गिवन पार्ट देखते हैं क्या क्या यहाँ से निकलता है। 6 mm है वो हमारा थिकनेस ऑफ एंगल है, ये जो थिकनेस ऑफ लेग है वो 6 mm है, और जो 10 mm थिकनेस है वो प्लेट का थिकनेस है। जो हमारी गसेट प्लेट है वो 10 mm थिकनेस है, 16 mm के बोल्ट है। तो डी दिया है हमको, डी इक्वल्स टू 16 mm। जब डी 16 mm होगा तो डी नॉट क्या होगा, डी प्लस 2। तो डी नॉट के लिए करेंगे हम लोग 16 + 2, दैट इज 18 mm, है ना। इतना तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि 16 से लेकर 24 तक डी नॉट करना पड़ता है डी प्लस 2, तो वहां से आ जाएगा 18। तो डी नॉट हमको मिल गया 18। चलिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन पार्ट। तो देखो फॉर्मूलेस का लिस्ट मैंने आपको दिया था, उसमें हमको 3 चीजें चेक करनी होती है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर, और डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। ध्यान रखेंगे जब हम लोग रैप्चर के लिए लेंगे तो रैप्चर का यहाँ पर प्लेट्स का फॉर्मूला नहीं लेना है, रैप्चर का प्लेट का फॉर्मूला अलग है, और रैप्चर का यहाँ पर देख सकते हो सिंगल एंगल के लिए फॉर्मूला अलग है। तो हम लोग यहाँ से सिंगल एंगल का फॉर्मूला लेंगे। तो एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, जिसका फॉर्मूला है TDG इक्वल्स टू FYAG अपॉन गामा एम नॉट। तो ये चीज मैं वहां पर लिख लेता हूँ, फॉर्मूला है TDG इक्वल्स टू FYAG अपॉन गामा एम नॉट। यहाँ पर हम लोग गिवन में और कुछ लिख लेंगे। देखो यहाँ पर हमको स्टील का ग्रेड नहीं दिया है, लेकिन अगर स्टील का ग्रेड नहीं दिया होगा तो हम लोग Fe410 ग्रेड का ही स्टील मान के चलेंगे। इसका मतलब हमको क्या दिया होता है, Fu इक्वल्स टू 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, MPa होता है मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fy वहां से निकलता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसका भी यूनिट MPa में होता है, MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना चीज हम लोग यहाँ से देख लेंगे, और यहाँ पर गिवन पार्ट में हम लोग लिख लेंगे गामा एम नॉट की वैल्यू होती है 1.1, और गामा एम 1 की वैल्यू होती है 1.25। देखो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले में बताया था, गामा एम नॉट होगा 1.5 जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन यील्डिंग, और गामा एम 1 होगा 1.25 जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये दोनों वैल्यू हमने गिवन पार्ट में ही लिख लिया, जब आगे काम आएगा तब सीधा हम लोग यहाँ से देख लेंगे। अब देखो इस फॉर्मूला डालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, FY चाहिए, FY यहाँ पर है 250, AG तो ग्रॉस एरिया हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। AG क्या होता है, G फॉर ग्रॉस, A फॉर एरिया, और गामा एम नॉट तो हमारे पास यहाँ पर है 1.1। तो चलिए पहले हम लोग AG कैलकुलेट कर लेते हैं। AG ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग इसका, एंगल सेक्शन का ग्रॉस एरिया कैसे निकलता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ कोडल प्रोविजन दिए थे नेट एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर देखो A नेट के लिए मैंने आपको कुछ कोडल प्रोविजन दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने जब आपको ग्रॉस एरिया का भी एक फॉर्मूला बताया था, ग्रॉस एरिया आप कैसे निकालेंगे, A1 इक्वल्स टू L1 माइनस T/2 इनटू थिकनेस, A2 इक्वल्स टू L2 माइनस T/2 इनटू थिकनेस। तो ये फॉर्मूला है आपका ग्रॉस एरिया निकालने के लिए। ग्रॉस एरिया में आपको N D नॉट को माइनस नहीं करना पड़ता, डायमीटर को माइनस नहीं करते ग्रॉस में। तो ठीक है हम लोग ग्रॉस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारा इस तरीके से है। अब हमारा देखो L1 और L2 क्या होगा, हमको क्या बोला है, डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एंगल इफ द गसेट प्लेट इज कनेक्टेड टू द 90 mm लेग। तो हमको जो बोला है 90 mm के लेग के साथ हमारा गसेट प्लेट कनेक्टेड है, तो ये जो लेग है वो हमारा 90 mm का है।
तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस दिया है वो L1 इक्वल्स टू 90 है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है L2, तो ये 90 हो गया, तो दूसरा क्या है 60, 90 into 60 का हमारा है ना एंगल सेक्शन, तो ये हो गया हमारा 60। थिकनेस क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में थिकनेस गिवन है 6 mm, यहां पर भी लिखा है 90 into 60 और 6 mm, तो वो 6 mm है इसकी थिकनेस, तो यहां से T थिकनेस दिया है इस एंगल लेग का जो कि है 6 mm। तो चलो अब हमको AG कैलकुलेट करना है, AG का फॉर्मूला कैसे होगा, 90 माइनस मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा, यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं इतना t by 2 उसमें से माइनस कर दूंगा, तो 90 माइनस t by 2, t by 2 मतलब 6 by 2 उसमें से माइनस कर दूंगा, ये तो हो गया मेरा ये वाले मेंबर का जो कि कनेक्टेड लेग है। और आउटस्टैंडिंग लेग का कैसे निकालना है, मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा यहां से t by 2 को माइनस कर दूंगा, तो 60 में से t by 2 को माइनस कर देंगे, 60 माइनस 6 by 2, t कितना है हमारा 6 है, तो 6 by 2 उसमें से माइनस कर देंगे, हो गए इनके डिस्टेंस, और इसके साथ हमको थिकनेस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थिकनेस कितना है हमारा 6 mm, तो यहां से हम लोग मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कर देंगे, यहां से हमको ग्रॉस एरिया मिलेगा, कैसे आपको ग्रॉस एरिया मिलता है 864 और इसका यूनिट होगा mm स्क्वायर, ठीक है, ग्रॉस एरिया आपको यहां से मिल गया। TDG के लिए जो अननोन है हमारे पास है तो डाल दो FY, FY इक्वल्स टू 250, तो यहां पर रख दो 250 इनटू AG, AG कितना है 864 अपॉन गामा एम नॉट, गामा एम नॉट कितना होता है 1.1, तो यहां पर रख देंगे 1.1, यहां से कैलकुलेट करो आपको TDG मिल जाएगा, TDG क्या होता है डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, आंसर आता है 196363, ओके, और ये जो आंसर आएगा वो हमारा न्यूटन में होगा, क्योंकि जो 250 देख सकते हैं यहां पर हमने जो FY पुट किया उसका यूनिट क्या था यहां पर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये आंसर भी हमारा न्यूटन में आने वाला है, लेकिन हमको चाहिए किलो न्यूटन में, तो हमारा जो फाइनल TDG होगा उसको किलो न्यूटन में लेके जाओ, तीन पॉइंट खिसका दो, दो तीन, तो हो जाएगा 196.36 किलो न्यूटन, तो ये है आपका पहला आंसर TDG डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग 196.36। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है देख सकते हैं यहाँ पर, रैप्चर के लिए कैलकुलेट करना है हमें, लेकिन डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि सिंगल एंगल का है, TDN 0.9 FUANC अपॉन गामा एम वन प्लस बीटा AGO FY अपॉन गामा एम नॉट, और यहाँ पर जो बीटा का फॉर्मूला है ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है बीटा का, तो ये सब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। ये हमारा फॉर्मूला है TDN इक्वल टू 0.9 FU इंटू ANC अपॉन गामा एम वन प्लस बीटा इंटू AGO इंटू FY अपॉन गामा एम नॉट, यहाँ पर बीटा का एक अपना फॉर्मूला है 1.4 माइनस 0.076 और मल्टीप्लाई में ये पूरा है W अपॉन T इंटू FY अपॉन FU इंटू BS अपॉन LC, और बीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0.7 एंड बीटा शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू FU इंटू गामा एम नॉट अपॉन FY इंटू गामा एम वन। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखो हमको यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हमको यहाँ पर FU पता है, गामा एम वन पता है, यहाँ पर हमको ANC चाहिए होगा, तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से जो अननोन है वो कैलकुलेट करेंगे ANC, तो सबसे पहले हम लोग ANC को कैलकुलेट कर लेते हैं, ANC क्या होता है ध्यान से देखो, ANC क्या होता है यहाँ पर आपको फॉर्मूले में क्लियरली बताया था, ANC इज द नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, कनेक्टेड लेग वो लेग होता है जो आपके गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ANC नेट एरिया, नेट एरिया मतलब हमको उसमें से डायमीटर ऑफ द होल माइनस करना होता है। अब देखो नेट एरिया कैसे निकालेंगे, देखो कनेक्टेड लेग हमारा 90 mm का है, करेक्ट है, तो 90 mm देखो यहां से 90 mm उसमें से हमको डायमीटर ऑफ द होल माइनस करना पड़ता है, तो कितना होल माइनस करेंगे, एक होल माइनस करेंगे। नेट एरिया में मैंने आपको यहां पर बताया था कि नेट एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर देखो नेट एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन डी नॉट उसमें से माइनस करना होता है, और यहाँ पर एन क्या होता है नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन, तो यहाँ पर हमारे कितने बोल्ट है एट क्रिटिकल सेक्शन, एक ही बोल्ट है एट क्रिटिकल सेक्शन, हमको इसके अलोंग फाइंड करना है एरिया, तो यहाँ पर इसका विड्थ हमको मालूम है जो कि है 90, उसमें से एक होल का डायमीटर माइनस करना है, यहाँ पर रख दो फॉर्मूले में, तो देखो 90 माइनस थिकनेस बाय 2, देखो जो यहाँ पर हमने किया था ग्रॉस एरिया में सेम वैसे ही है 90 माइनस 6 बाय 2, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो 90 में से मेरे को थिकनेस बाय 2 माइनस करना पड़ेगा, थिकनेस कितना है मेरा 6, तो 90 माइनस 6 बाय 2 यहाँ पर जो हमने ग्रॉस के लिए किया था वही है, बस ग्रॉस में से भी मुझे होल का डायमीटर माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों के लिए किया था, एजी मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ द बोथ लेग्स होता है, लेकिन मुझे आप सिर्फ कनेक्टेड लेग का चाहिए क्योंकि मैं ANC का कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, तो सिर्फ एक ही लेग का देखना है, तो 90 माइनस 6 बाय 2 यहाँ से आप देख सकते हो जो किया था वैसे ही है, 90 माइनस 6 बाय 2 और इसमें से मुझे डीप नॉट को माइनस करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ द होल, एक होल माइनस करना पड़ेगा, तो एक होल कितना है डी नॉट इक्वल्स टू 18, तो 18 भी उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। देखो यहां तक हो गया, मुझे विड्थ मिल गया इसका, इसका विड्थ मुझे मिल गया, ठीक है। अब विड्थ को मल्टीप्लाई करना है थिकनेस के साथ, थिकनेस कितना है 6, यहां पर देख सकते हो 6 हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया था, वैसे इसकी जो थिकनेस है वो 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, यहां से आपको ANC मिल जाएगा, करेंगे तो 414, ठीक है, और ये हमारा एरिया है तो यूनिट होगा 414 mm², उसका यूनिट हो जाएगा क्योंकि एरिया है, एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, कौन सा एरिया, नेट एरिया, ठीक है। ANC मिल गया यहाँ पर डालने के लिए, तो इतना पोर्शन हमारा हो चुका है। अभी देखो नेक्स्ट वाला पोर्शन, ये जो बीटा है उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर और क्या अननोन है, FY हमारे पास है, गामा M0 हमारे पास है, हमको चाहिए AGO। अब देखो AGO क्या है, AG तो हमें मालूम है ग्रॉस होता है, तो O क्या है, देखो ध्यान से, AGO इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, तो यहाँ पर ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो 60 है मैं, वो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है, तो यहाँ पर जो हमने किया था देखो 60 माइनस 6 बाय 2, तो यही है हमारा आउटस्टैंडिंग लेग, 60 माइनस 6 बाय 2 और उसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या किया, 60 में से t बाय 2 हमने माइनस कर दिया, 60 में से t बाय 2 माइनस कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होता है, ये जो मार्क किया यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो 60 में से t बाय 2 माइनस कर दिया और थिकनेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर ग्रॉस के लिए किया था वैसे ही निकलेगा हमारा AGO। ये जो ANC था ये था नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड, अब चाहिए मुझे AGO 60 माइनस 6 बाय 2, तो यहाँ से कर दो 60 माइनस 6 बाय 2 और इसको होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, जैसे यहाँ पर किया था वैसे, बस होल का डायमीटर उसमें से माइनस नहीं होगा क्योंकि ग्रॉस है, तो ग्रॉस में होल का डायमीटर माइनस नहीं होता, तो यहाँ पर 90 था और यहाँ पर 60 हो जाएगा क्योंकि दूसरा लेग हमारा जो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग है वो 60 mm का है, तो इसको सॉल्व करो आपको AGO मिल जाएगा, आता है 342 एंड यूनिट विल बी mm² क्योंकि ये भी हमारा एरिया है ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग, लेकिन कौन सा एरिया, ग्रॉस एरिया। अब देखो सब कुछ पता है, बस हमारा बीटा कैलकुलेट करना बाकी है। अब देखो बीटा की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हमको W चाहिए, थिकनेस हमें पता है, तो जो जो हमें पता है वो हम लोग लिख देंगे, थिकनेस इक्वल्स टू 6 mm हमें पता है, ये T कौन सा होता है, देख सकते हैं यहाँ पर T, यहाँ पर लिखा था T इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द लेग, तो थिकनेस ऑफ द लेग हमको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 6 mm, यहाँ पर देखो थिकनेस ऑफ द लेग है हमारा 6 mm, तो वहाँ पर हमने T जो जो मालूम है वो पहले पहले मार्क कर लेंगे उसको, T इक्वल्स टू 6 mm, यहाँ पर FY मालूम है, FU मालूम है, वो हम लोग ऊपर से देख लेंगे, ठीक है, ऊपर यहाँ पर हमने लिखा था देखो FY और FU वहां से देख लेंगे, गामा M0 और गामा M1 यहां से देख लेंगे, बचा क्या यहाँ पर W क्या होता है, W इक्वल्स टू यहाँ पर बताया था W क्या होता है, W इज द विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये जो फ्री लेग है उसको आउटस्टैंडिंग लेग कहते हैं, हमारा फ्री लेग कितना mm का है, यहाँ पर देखो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग जो है वो फ्री लेग 60 mm का है, तो हमारा W हो गया 60 mm, तो यहाँ पर W रखेंगे हम लोग 60 mm, ठीक है, और क्या क्या बचा, यहाँ पर W मिल गया, T मिल गया, BS और LC बचा। अब देखो BS कहाँ से निकालेंगे, BS का भी एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर BS का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा होता है, ये जो BS इक्वल्स टू W है ये फॉर वेल्डेड कनेक्शन के लिए है, BS इक्वल्स टू W प्लस W1 माइनस T ये बोल्टेड के लिए, तो अभी हम लोग बोल्टेड का देख रहे हैं, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा W प्लस W1 माइनस T, तो यहाँ पर W क्या है, W तो हमको पता है हमारा 60 है, लेकिन W1 क्या है, W1 देख सकते हैं बोल्ट के सेंटर से लेकर एंगल के एंड तक का डिस्टेंस होता है W1, तो फॉर्मूला लिख लेंगे पहले हम लोग BS का, W प्लस W1 माइनस T होता है, लेकिन ये जो W1 होता है ना ये दरअसल गेज डिस्टेंस होता है,
यहाँ पर देखो गेज डिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन में गेज डिस्टेंस दिया है, देखो बोल्ट के सेंटर से लेकर प्लेट के एंड तक का डिस्टेंस, बोल्ट के सेंटर से लेकर एंगल के एंड तक का डिस्टेंस होता है डब्ल्यू वन, तो वही हमको वहां पर गेज डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, हमको वही चीज गिवन है जो कि हमारा गेज डिस्टेंस है 50, ठीक है, डब्ल्यू वन हमारा 50 है, तो वहां पर हम लोग रख देंगे डब्ल्यू वन की जगह पर 50, और थिकनेस हमें पता है बी एस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो डब्ल्यू कितना है 60 प्लस गेज डिस्टेंस कितना है 50 हमको क्वेश्चन में गिवन है, और थिकनेस हमको पता है 6 mm है, तो इसको कैलकुलेट करो हमको बी एस मिल जाएगा, बी एस यहाँ से मिल जाएगा आपको 104, ठीक है 104। अब क्या अननोन बचा, यहाँ पर एक अननोन बचा जो कि है एल सी। अब देखो एल सी क्या होता है, लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट बोल्ट इन द एंड ज्वाइंट। देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था एल सी क्या होता है, टॉप मोस्ट बोल्ट से लेकर बॉटम मोस्ट बोल्ट का डिस्टेंस वो होता है एल सी। अब देखो हमको क्वेश्चन में कुछ डायमेंशन यहाँ पर गिवन थे, यहाँ पर देखो हमको कुछ गिवन है 4 × 50, ये क्या है इस बोल्ट के सेंटर से लेकर फर्स्ट बोल्ट के सेंटर से लेकर लास्ट बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस होता है एल सी, तो वो दिया है हमको 4 × 50, तो 4 × 50 कितना हो जाएगा 200, तो एल सी डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल सी इक्वल्स टू 4 × 50, दैट इज एल सी इक्वल्स टू 200 mm। तो सारे अननोन आपके पास है यहाँ पर, ठीक है सारे अननोन है, चाहिए तो एफ यू भी साथ में यहाँ पर लिख लेंगे, एफ यू इक्वल्स टू होता है 410, एफ वाई होता है 250 फॉर स्टील का ग्रेड एफ ई 410, ठीक है, और गामा एम वन होता है 1.25 और गामा एम नॉट होता है 1.1। देखो सारे अननोन हमने एक ही जगह पर लिख लिए, अब हमको फॉर्मूले में डालने के लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमको बीटा चाहिए, तो बीटा पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बीटा को पहले कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो बीटा इक्वल्स टू 1.4 माइनस में 0.076 और मल्टीप्लाई में पूरा एक ब्रैकेट है जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा W बाई टी, तो W कितना है देखो W यहाँ से 60 है बाय थिकनेस यहाँ पर है 6, एक ब्रैकेट खत्म। उसके बाद एफ वाई बाई एफ यू, एफ वाई कितना है 250 और एफ यू कितना है 410, तो 250/410 ये हो गया मेरा दूसरा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई में बी एस अपॉन एल सी, तो बी एस कितना है देखो बी एस इक्वल्स टू 104 और एल सी है 200, 104/200, तो यहाँ पर ये मेरा पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब कैलकुलेट करो बीटा को, यहाँ से आपको बीटा मिलता है 1.159, ठीक है बीटा इक्वल्स टू 1.159, ये हो गया आपका बीटा। यहाँ पर हमको कंडीशन भी चेक करना है, बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7, तो हमारा बीटा इज ग्रेटर देन 0.7, लेकिन हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा बीटा लेस देन है क्या नहीं एफ यू गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई गामा एम वन से, तो वो भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा। 410 इंटू गामा एम नॉट, गामा एम नॉट है 1.1 अपॉन एफ वाई, एफ वाई है 250 और यहाँ पर गामा एम वन, गामा एम वन है 1.25 × 1.25, इससे छोटा होना चाहिए मेरा ये जो बीटा की वैल्यू है, तो ये देखो कितना आता है कैलकुलेट करो, देखो इसकी वैल्यू आती है 1.44, इसका मतलब माय बीटा इज स्मॉलर देन दिस, बीटा की जो वैल्यू है 1.15 इज लेस देन 1.44, तो बीटा मेरा ओके है, ठीक है चेक कर दिया हमने, यहां से ओके निकला हमारा बीटा, तभी जाके हम बीटा को हमारे फॉर्मूले में रख सकते हैं। सारे वैल्यूज मुझे पता है इसमें रखने के लिए, तो चलो फॉर्मूला में दोबारा नीचे ले लेता हूं, तो पुट करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले में टीडी एन के, तो टी डी एन इक्वल्स टू 0.9 इंटू एफ यू, देखो एफ यू यहाँ पर हमने लिखा था जो कि है 410 अपॉन गामा एम एल, गामा एम एल इज 1.25
यहाँ पर ऊपर एफ यू के साथ मल्टीप्लाई में ए एन सी भी है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए एन सी भी है, तो ए एन सी देखो कितना आया था, ए एन सी आया था 414, तो रख दो वहां पर 414 414, ठीक है, और ये पूरा प्लस है बीच में, और बीटा बीटा कितना आया 1.159 1.159, और मल्टीप्लाई में है ए जी ओ, देखो ए जी ओ कितना है 342 342, और उसके साथ मल्टीप्लाई में है एफ वाई, एफ वाई कितना है 250, तो यहाँ पर रख देंगे 250 अपॉन अपॉन क्या है गामा एम नॉट, गामा एम नॉट इज 1.1, तो इसको सॉल्व करो आपको टी डी एन मिल जाएगा। आंसर आता है 212298। अब ये आंसर मेरा न्यूटन में है कि किलो न्यूटन में है, ये आंसर है मेरा न्यूटन में, क्योंकि यहाँ पर जो एफ वाई और एफ यू हमने पुट किए हैं, देखो यहाँ पर जो एफ वाई और एफ यू है उनके यूनिट्स है न्यूटन में, तो मेरा इसका भी आंसर न्यूटन में ही आने वाला है, ये आंसर मेरा न्यूटन में ही आया है, लेकिन मुझे चाहिए किलो न्यूटन में, तो टी डी एन को किलो न्यूटन में 3 पॉइंट खिसका दो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 212.29 212.29 एंड यूनिट विल बी किलो न्यूटन, ये है मेरा दूसरा आंसर। देखो सेकंड आंसर क्या था, टी डी एन, टी डी एन क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ इन रप्चर फॉर एंगल। अब तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा देख सकते हो, एक होता है यील्डिंग जो हमने कैलकुलेट कर लिया, रेप्चर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको कैलकुलेट करना है ब्लॉक शेयर को, तो ब्लॉक शेयर के दो फॉर्मूले हैं, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शेयर कहलाएगा, तो ये फॉर्मूला मैं वहां पर लिख लेता हूँ। देखो डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर का ये दो फॉर्मूले हमारे टी डी बी वन टी डी बी टू, तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शेयर कहलाएगा। सबसे पहले देखो ब्लॉक शेयर मतलब होता क्या है, ये चीज मैंने आपको डिफाइन किया था यहाँ पर कि ब्लॉक शेयर का मतलब क्या होता है। देखो ब्लॉक शेयर मतलब ये जो प्लेट है ये पूरी यहाँ से फटके निकल जाएगी, जहां पर कनेक्शन किए हैं वहां से फटके निकल जाएगी, तो कितना पोर्शन हमारा निकल के जाएगा यहाँ से, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखो ध्यान से, कितनी प्लेट हमारी यहाँ से फटके निकल जाएगी। तरीके से हमारी कुछ प्लेट है, पांच पांच होल है उसमें, मैंने ये वाले ड्राइंग बनाया, ठीक है, यहाँ से प्लेट के एंड से लेकर यहाँ तक जहां तक गसट प्लेट है वहां तक मैंने ड्राइंग बनाई है, उसमें से प्लेट फटके निकल जाएगी तो वो कितना पोर्शन होगा, तो देखो ध्यान से, वो यहां से फट जाएगी, ये पोर्शन पूरा फट जाएगा यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, और ये वाला जो बोल्ट है वो आधा फटेगा, ठीक है, ये है पूरा मेरा ब्लॉक शेयर, इतना पोर्शन मेरा फट जाएगा पूरा का पूरा, ये भी फटके निकल जाएगा, ये भी फटके निकल जाएगा, लेकिन ये वाला जो बोल्ट का होल है वो आधा होल जाएगा, वो पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये है मेरा ब्लॉक शेयर ऊपर वाला जो भी मैंने मार्क किया है, दिस इज माय ब्लॉक शेयर, और कितना पोर्शन बचा वो ये वाला है, देखो इतना पोर्शन मेरा बचेगा, ये जो ब्लॉक है वो शेयर हो जाएगा। अब देखो मुझे यहां से क्या क्या अननोन है, ए वी जी अननोन है, ए टी एन अननोन है, ए वी एन अननोन है, और ए टी जी अननोन है, इतने चीजें अननोन है, बाकी सब तो हमें पता है, एफ वाई एफ यू गामा एम वन और गामा एम नॉट, यहाँ पे जो हमने लिखा था वहां से हम लोग उठा सकते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन रह गया वो मेरा गेज डिस्टेंस है 50, बोल्ट बोल्ट के सेंटर लाइन से लेकर प्लेट के एंड तक का 50 डिस्टेंस है, यहां तक जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 50। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, जाहिर सी बात है ये होगा 40, क्योंकि ये विड्थ कितनी है मेरी 90 है ना, क्योंकि मुझे बोला गया ये वाला जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ पर देख सकते हो जो गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है वो 90 का है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो 90 का है, तो 90 है इसलिए ये यहाँ की जो विड्थ है वो मेरी 90 है, तो गेज डिस्टेंस तक मुझे पता है 50, तो ऊपर का हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर देखो मुझे एंड डिस्टेंस भी गिवन है 30, या प्लेट के एंड से लेकर इस बोल्ट के सेंटर तक 30 गिवन है,
फिर इस बोल्ट के सेंटर से लेकर लास्ट बोल्ट के सेंटर तक 4 × 50 मतलब 200, मतलब 30 + 200 यहाँ पर बच गया। देखो यहां से लेकर यहां तक हमको पता है 30 है, उसके बाद वहां से लेकर लास्ट बोल्ट के सेंटर तक को हम मालूम है जो कि है 200, तो यहां से हो गया 30 + 200 = 230। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हम लोग एवीजी एवीएन, इन दोनों में सिमिलरिटीज होती है। एवीजी, जी मतलब ग्रॉस एरिया और एन मतलब नेट एरिया और वी मतलब इन शेयर और यहां पर जो टी लिखा है टी मतलब इन टेंशन। अब शेयर में कौन सा होगा, टेंशन में कौन सा होगा, वो चीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था। यहां पर जो मैंने रेड कलर से आपको बताया था वो है टेंशन में जो फेलियर होगा वो इस रेड कलर की लाइन है और जो शेयर में फेलियर होगा वो इस ब्लैक कलर की लाइन है। ठीक है, वो चीज हम लोग हमारे थर्ड वाले प्रॉब्लम में भी शेयर फेलियर अकर्स अलोंग 1, 2 and 3, 4 1, 2 and 3, 4 ये होगा शेयर फेलियर होता है एंड द टेंशन फेलियर अकर्स अलोंग 2 and 4 2 and 4 के अलोंग टेंशन फेलियर अकर होगा। तो वही केस मेरा कुछ यहाँ पर भी बन रहा है। तो देखो मेरा जो शेयर फेलियर है मेरा 1 से 2 तक हो रहा है शेयर फेलियर एंड 3 से 2 तक हो रहा है मेरा टेंशन फेलियर। तो शेयर फेलियर को जो नाम दिया जाता है वो है वी, यहाँ पर जो वी नाम दिया गया है वो है फॉर शेयर फेलियर और जो टी नाम दिया गया है वो है फॉर टेंशन फेलियर। सबसे पहले ए वी जी ग्रॉस एरिया एट शेयर, ग्रॉस एरिया किसके अलोंग है 1 and 2 के अलोंग, तो 1 and 2 तो ग्रॉस एरिया निकालना है। तो ग्रॉस एरिया में डायमीटर को माइनस नहीं किया जाता, 30 + 200 क्योंकि शेयर फेलियर मेरा किसके अलोंग हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से 2 तक हो रहा है मेरा शेयर फेलियर जो कि है 30 + 200, तो डायरेक्टली हम लोग 230 भी लिख सकते थे। तो ये हो गया 30 + 200 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे थिकनेस के साथ। अब इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा लेग का थिकनेस है वो 6 mm है, वो चीज हमको क्वेश्चन में भी गिवन है कि 6 mm का थिकनेस है हमारा एंगल का, तो मुझे थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपको ए वी जी मिल जाएगा 1380 एंड यूनिट विल बी mm स्क्वायर क्योंकि ये है एरिया। तो ए वी जी मिल गया, अब चलते हैं ए वी एन। तो देखो तो क्या करेंगे, 30 + 200 सबसे पहले यहां पर लिख देंगे हम लोग 30 + 200। अब इसमें से मुझे डायमीटर ऑफ होल माइनस करना है। सबसे पहले देखो कि डायमीटर ऑफ होल कितना दिया है, देखो यहां पर डी नॉट हमने लिखा था 18 mm, डी नॉट इक्वल्स टू 18 mm जो कि हमारा डायमीटर ऑफ होल है। ठीक है, तो यहां पर कितने होल माइनस होंगे, देखो यहां से यहां तक एक होल माइनस हो रहा है, 2 होल 3 होल 4 होल, लेकिन जो पांचवा होल है वो आधा जाता है, वो हाफ कट होता है, वो चीज मैंने आपको यहां पर भी थर्ड प्रॉब्लम में भी समझाया था। देखो एक बोल्ट पूरा कटता है और यहां पर दूसरा बोल्ट आधा कटा था, तो वो चीज मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो यहां से लेकर यहां तक एक डायमीटर कट गया और यहां से लेकर यहां तक आधा डायमीटर कटा, लेकिन आधा डायमीटर बाकी है। ठीक है ना, यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 चार डायमीटर पूरे कट गए, पांचवा डायमीटर आधा, इसका मतलब क्या करूंगा मैं, -18 × 4 ये तो हो गया चार डायमीटर पूरे कट गए और पांचवा डायमीटर आधा कट रहा है, इसका मतलब मैं वापस से माइनस कर दूंगा 18/2 आधा डायमीटर कट रहा है ना, इसलिए मैं 18/2 वहां से माइनस कर दूंगा और इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है मुझे थिकनेस के साथ। तो यहां से मेरे को ए वी एन मिल जाएगा, आपको AVN आता है 894 mm square उसका यूनिट होगा। तो AVN मिल गया, AVG मिल गया, वैसे अब मुझे ATG निकालना है। तो ATG टेंशन, अब टेंशन पार्ट कौन सा है मेरा, टेंशन फेलियर इज अलोंग 2 and 3, तो 2 and 3 के अलोंग टेंशन फेलियर है, लेकिन 2 and 3 से लेकर डिस्टेंस कितना है, देखो 40, यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे गेज डिस्टेंस मेरे को गिवन था 50 क्वेश्चन में, तो ऊपर का डिस्टेंस क्या हो गया 40, तो 2 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस है 40, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 40 क्योंकि मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था 50, डायग्राम में हमको गेज डिस्टेंस गिवन है 50, तो ऊपर का कितना होगा 40 क्योंकि मेरा जो कनेक्टेड लेग है वो 90 mm का है। देखो द एंगल If the gusset plate is connected to the 90 mm leg,
तो 90 एमएम लेग से मेरा गसेट प्लेट कनेक्टेड है, 40 इंटू थिकनेस कर दो, 40 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 40, और इसके साथ मल्टीप्लाई में थिकनेस हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा 80 जी 240 एमएम स्क्वायर से आपको 80 जी मिल गया। आप चाहिए 80 एन नेट एरिया टेंशन। अब नेट एरिया मतलब क्या होता है, नेट एरिया मतलब यहां से लेकर यहां तक जितने भी होल आ रहे हैं मेरे को उसमें से होल को माइनस करना है। देखो इसमें आधा ही होल आ रहा है, 3 से लेकर 2 तक देखो सिर्फ आधा होल आ रहा है, मतलब क्या होगा इस 40 में से। देखो सबसे पहले 3 से लेकर 4 तक का विड्थ कितना है, 40 है, तो उस 40 में कितने होल आ रहे, सिर्फ आधा होल आ रहा है, तो 40 माइनस 18 बाई 2 क्योंकि डायमीटर ऑफ द होल इज 18, तो 40 माइनस 18 बाई 2 तो ये हो गया क्या मेरा विड्थ, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं थिकनेस के साथ, थिकनेस है मेरा 6, यहां से इसको कैलकुलेट करो, यहां से आंसर आता है 186, तो 80n आता है 186 mm स्क्वायर। तो यहां पर आपको अननोन मिल गए, सारे के सारे अननोन आपको पता है अभी इस टीडीबी और टीडीबी 2 के फॉर्मूले में डालने के लिए, तो एक एक करके दोनों भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर कहलाएगा। टीडीबी 1 तो फॉर्मूला आप यहां से देखेंगे, वैल्यूज सब ऊपर हमने कहीं ना कहीं लिखी है वहां से देख लेंगे। एवीजी सबसे पहले रखना है यहां पर, एवीजी देखो एवीजी कितना है 1380 1380 मल्टीप्लाई में एफवाई, एफवाई हमने यहां पर रखा था, देखो यहां पर एफवाई हमने रखा था जो कि है 250, तो वहां पर रख दो एफवाई की जगह पर 250 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू गामा एम नॉट। तो गामा एम नॉट अब तक आपको याद हो चुका होगा, गामा एम नॉट की वैल्यू होती है 1.1, ठीक है, उसके बाद प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 80n, देखो 80n का आंसर हमको यहां पर मिला था 186 मल्टीप्लाई बाय fu, तो अब तक आपको पता चल गया होगा fu होता है 410 फॉर स्टील ऑफ ग्रेड Fe410, तो FU वहां से मिल जाता है 410 अपॉन गामा ML, तो गामा ML की भी वैल्यू अब तक आपको पता चल गई होगी जो कि होती है 1.25, इसको कैलकुलेट करो TDB1 आपको मिल जाएगा। आता है 235985, एक मिनट चेक करने दो, 235985 ठीक है करेक्ट है, और ये आंसर भी आएगा न्यूटन में क्योंकि यहाँ पर जो 250 रखा है और 410 रखा है उसकी उसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, जो चीज मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, गिवन पार्ट ऊपर लिखा था, देखो यहाँ पर 410 और 250 का यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये भी आंसर मेरा न्यूटन में आने वाला है, तो मुझे चाहिए किलो न्यूटन में, तो 3 पॉइंट खिसका दो TDB1 3.123 ये हो जाएगा 235.98 किलो न्यूटन, ठीक है, यहां से मुझे TDB1 मिल गया। अब मुझे TDB2 भी चाहिए, तो फटाफट TDB2 कैलकुलेट कर लो, TDB2 फॉर्मूला यहां से देख सकते हैं, वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, तो 0.9 इंटू AVN, देखो AVN यहां पर है 894, रख दो वहां पर 894 इंटू FU आपको पता चल गया होगा, FU होता है 410 अपॉन अंडर रूट 3 गामा M1 है 1.25, ये सब अब तक आपको याद हो चुका होगा कि गामा M0 क्या होता है, गामा M1 क्या होता है, FU क्या होता है, FY क्या होता है। अब देखो यहाँ पर रखना है 80G, तो 80G की वैल्यू देखो कहाँ पर है, हाँ 80G देखो यहाँ पर है 240, तो रख दो वहाँ पर 240 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है FY कितना होता है 250 अपॉन गामा एम नॉट, गामा एम नॉट कितना होता है 1.1, तो मिल चुका है, खाली फॉर्मूले में पुट करके खाली कैलकुलेट करना है। TDB2
डी बी टू इक्वल्स टू, ये भी आंसर आएगा न्यूटन में, मुझे चाहिए किलो न्यूटन में, तो कन्वर्ट कर लो किलो न्यूटन में, टी डी बी टू को किलो न्यूटन में करेंगे, तीन पॉइंट किसका, तो एक दो तीन, 206.91 किलो न्यूटन, ठीक है, ये हो गया मेरा टीडीबी वन टीडीबी टू। अब चाहिए क्या मुझे, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, तो मिनिमम ऑफ टीडीबी वन एंड टीडीबी टू, तो बताओ मिनिमम कौन सा है, ये है 235 और ये है 206, तो मेरा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ मिलता है मुझे TDB equals to 206.91 and unit will be kilo newton, ठीक है, यहाँ से मुझे block shear strength मिल गई। अब मुझे चाहिए क्या, calculate मुझे क्या करने बोला था, मेरा unknown क्या है, question हम लोग क्यों solve कर रहे हैं, question है determine the tensile strength of the angle, tensile strength क्या होता है, tensile strength होता है minimum of these three, minimum of yielding, rupture and block शेयर, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ कहलाएगा एंगल का। आपको एक एक करके लिखना है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ यील्डिंग कितना था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ रेप्चर कितना था, तो एक फाइनल नोट में वहां पर लिख देता हूँ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल इज मिनिमम ऑफ यील्डिंग रेप्चर एंड ब्लॉक शेयर। तो बताओ अभी यील्डिंग रेप्चर और ब्लॉक शेयर की तीनों वैल्यूज आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले यील्डिंग देखो कितना आया था, डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग आया था 196.36। अब देखो रेप्चर कितना आया था, देखो सेकंड हमने कैलकुलेट किया था डिजाइन स्ट्रेंथ इन रेप्चर, तो रेप्चर के लिए हमको आंसर आया था TDN का जो कि है 212.29 किलो न्यूटन। अब देखो ब्लॉक शेयर, ब्लॉक शेयर अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ब्लॉक शेयर TDB इक्वल्स टू 206.91 किलो न्यूटन। अब बताओ इनमें से मिनिमम कौन सा है, 196.36 किलो न्यूटन, जिसको कहते हैं टी डी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टी डी 196.36 किलो न्यूटन। तो इस एंगल के लिए ये जो हमारा एंगल है ISA 90-66 mm, यहाँ पर जो गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है उसका डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको मिल गया था जो कि है 196.36। तो यहाँ पर आपका पूरा सॉल्यूशन पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।